कोरोना से बढ़ी चिंता लगातार, दूसरे दिन 43,000 से ज्यादा नए केस, 1 अगस्त तक संपूर्ण लॉकडाउन। धनबाद में दबंगों का कहर, चोरी के ऑटो से टक्कर मारकर बीच जज की हत्या, सीसीटीवी में दिख रहा है साजिश का एंगल। तीरंदाजी में भारत की अतनु दास की शानदार जीत, लंदन ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया के खिलाड़ी को दी मात। नोएडा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, आधार कार्ड बनाने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार, विधायकों के फर्जी लेटर हेड का करते थे इस्तेमाल। SMK पान मसाला कंपनी पर आयकर का छापा, गोदाम आवास और ऑफिस में छापेमारी। नमस्कार, स्वागत है आपका, मैं हूं आपके साथ धीरेंद्र अवस्थी। आंगनबाड़ी केंद्रों की सुविधा संपन्न बनाते हुए तो आवश्यक वस्तुओं का वितरण कार्यक्रम कानपुर छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व राज्यपाल आनंदीबेन पटेल समेत कैबिनेट मंत्री सतीश महाना व मंत्री नीलिमा कटियार उपस्थित रहे। कार्यक्रम में 75 आंगनवाड़ी केंद्रों से आई महिलाओं को आंगनवाड़ी से संबंधित आवश्यक वस्तुओं का वितरण मुख्यमंत्री द्वारा किया गया। सीएम योगी ने कहा कि गांव में जब कोरोना की स्थिति देखने हम गए तो वहां पर आंगनवाड़ियों का योगदान सबसे अहम नजर आया। आज भी यहां 3 से 5 वर्ष के बच्चों की स्क्रीनिंग करके कोरोना से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। आंगनवाड़ी को प्री प्राइमरी के रूप में विकसित करने की योजना है। कोरोना के चलते योजना को अमली जामा नहीं पहनाया जा सका है। जल्द ही आंगनबाड़ियों का स्वरूप बदलकर उन्हें समय की जरूरत के अनुसार विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विश्वविद्यालय के साथ में मिलकर टीबी ग्रसित बच्चों को गोद लेकर इलाज व खान पान की व्यवस्था करने का प्रयास सराहनीय है। आंगनबाड़ी वास्तव में न्यू है हमारी सामाजिक व्यवस्था की, और मैं इन आंगनबाड़ी केंद्रों से जुड़ी हुई बहनों का बहुत अभिनंदन करूंगा कि इन्होंने कोरोना कालखंड में बहुत अच्छा काम किया है, बहुत ही अच्छा काम किया है निगरानी समितियों के माध्यम से। उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है, और अगर हम देखें तो 24 से 25 करोड़ की इस आबादी के बारे में कोरोना महामारी के दौरान हर व्यक्ति सशंकित था। इस सदी के सबसे बड़ी महामारी में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश पूरी मजबूती के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ इस लड़ाई को लड़ रहा है। दुनिया के अंदर भारत ने मृत्यु दर को और पॉजिटिविटी रेट को भी नियंत्रित करने में काफी बड़ी सफलता प्राप्त की है।